स्वागत है आपका बम्बल टून्स में। मिस्टर मिश्रा एक स्कूल टीचर हैं। एक बार वो क्लास के बाद अपनी घड़ी ले जाना भूल जाते हैं। कुछ देर बाद जब वो वापस क्लास में आके देखते हैं तो घड़ी वहाँ से गायब होती है। उनको क्लास के तीन सबसे नॉटी बच्चों पे डाउट होता है, राम, वरुण और करण। राम बोलता है, मुझे घड़ी के बारे में कुछ नहीं पता। वरुण बोलता है, मैंने भी घड़ी नहीं ली। करण बोलता है, घड़ी वरुण ने चुराई है। टीचर को पता है कि इनमें से सिर्फ कोई एक ही सच बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं टीचर की घड़ी किसके पास है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट्स में बताइए। एक्स्ट्रा टाइम के लिए वीडियो को पॉज करिए। आइए इसका आंसर देखते हैं। मिस्टर मिश्रा की घड़ी राम के पास है और सिर्फ वरुण ही सच बोल रहा है। अच्छे से समझने के लिए आप इस पहेली को फिर से देख सकते हैं।